विगत दिनों आरा विधायक अनवर आलम के खिलाफ राजद किसान प्रकोष्ठ के द्वारा और जिला प्रशासन के खिलाफ जिला संग्रहालय के समक्ष धरना दिया था। क्या लगता है कि राजद के कार्यकर्ता अनवर आलम के खिलाफ है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो भी धरना पर बैठे हैं, हमको लग रहा है, हम तो बोलते हैं खुलम खुला देख लीजिए, बात हमको आल जल नहीं बुझाता है। सवाल ये है कि जो भी धरना पर हम पेपर के माध्यम से देखा है, धरना पर जो भी बैठे थे, जैसे कि डॉक्टर अकबर चंद्रवंशी, हम आप हमारे बगल के हैं, हमको डर भय नहीं लगता है सच्चाई बोलने में। असल में विधानसभा चुनाव में ही पप्पू यादव के पार्टी में थे, सच्चाई है। हम लोग जब वोट मांगने के क्रम में गए थे, दरवाज़ा बंद कर दिए थे, इनकी पत्नी भी दरवाज़ा नहीं खोली थी और ये बबन यादव संदेश से खड़ा था, उसके चुनाव प्रचार में लगे थे और वो आज धरना पर बैठे हैं डॉक्टर अनवर आलम के खिलाफ। खैर, विधायक जी में भी कमियां हैं, सच्चाई है, कमियां तो हैं, लेकिन देखिए मेरी जहां तक सोच जाती है, हम लोग जिसे कड़ा एक्शन ले लेते हैं कोई भी मामले में, वो बड़ा सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखते हैं, चाहे जो भी मामला हो, कितना भी पर्सनल मामला हो। और आप भी जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं, कितना बार आपसे भी मिलन हुआ है हम लोग को, आपको भी लगता होगा हम भी विधायक जी के बहुत आप जानते हैं नज़दीकी हैं। लेकिन सवाल है कि कोई हम ही बात बोले उनसे तो पता नहीं क्यों बड़ा सोच समझ के अपने स्तर से पता लगाते हैं क्या, जो भी हो डायरेक्ट पैरवी नहीं करते हैं। हाँ, कि हम गलत हैं कि सही हैं, उनको विश्वास अपने लोगों पर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सोच सोच के करते हैं, थोड़ा सीधे हैं। हो सकता है उनके साथ अपना लोगों ने धोखा दिया हो, इसीलिए भी हो सकता है। लेकिन जो ये नाला का मामला है, आप यकीन नहीं मानिएगा, दौलतपुर बलुआ का, हम दो दिन गए, दौलतपुर गए, बलुआ गए, कोई खिलाफ नहीं है। आप धरना पर भी देख लीजिए, एक भी आदमी दौलतपुर बलुआ का लौका हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। विधायक जी रियल में सही में बहुत सीधे और अच्छे आदमी हैं, इनमें कोई दो मत नहीं है। कोई काम थोड़ा सोच समझ के करते हैं, यही कमी है। हम जैसे अपने हैं गए वही यही काम करी, तो थोड़ा सोची हम समझी हम, और लोग लिखा थोड़ा फोन ना कर दिया, यही बात कोनो बात नहीं है। अब तो जो नाला की बात हो रही थी, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि वगैरह भी थे? जनप्रतिनिधि कोई नहीं था, धनंजय था एगो, जिला परिषद है वहाँ का जनप्रतिनिधि, अन्ना कोई गांव का, अन्ना कोई पंचायत का व्यक्ति था। तो क्या लगता है ये? देखिए, धनंजय रियल में झूठ नहीं बोलेंगे, धनंजय रियल में अनवर जी का विधानसभा चुनाव में साथ दिया है, लेकिन वो बहुत तेज लड़का है भैया, सही में तेज हो, मेहनत तो कैले बा चुनाव में, कोई दू मत नहीं है कि मेहनत नहीं किया है, किया है, लेकिन उसके पीछे भी उसका स्वार्थ था, ये बहुत दूर का सोच रहा है, उस हम लोग नहीं समझ पाए। ओहू गरीब सोच रहा था खाली इधर का गाड़ी दीजिए, उधर का गाड़ी दीजिए, मेहनत किया है, लेकिन अपना भी बेस विधानसभा चुनाव में उसका प्लानिंग था कि जिला परिषद हम लड़ेंगे, ये भी कारण है कि इतना मेहनत किया था, निस्वार्थ हम समझ रहे थे जो। तो क्या लगता है? मालिक बना दिए थे, सुनिए, अनवर जी तो इसको मालिक बना दिए थे विधानसभा चुनाव में, इसको मालिक बना दिए थे, इसको नगर अध्यक्ष भी बना दिए थे। आप बोलिए, तो क्या लगता है कि सब कुछ सही है? हमको तो लग रहा है, हमने बलुआ में भी गया, दौलतपुर में भी गया, कोई किसान का मामले नहीं है, पता नहीं सब क्या कर रहा है, सब नाली का जहाँ निकासी है चाट से बहुत दूर है, हमने सबसे बात कर लिया भाई, आ जो भी धरना पर बैठा है सब पार्टी विरोधी है, हम सच्चाई में कोई भी या पार्टी विरोधी है या अनवर का। आरा विधायक अनवर आलम का आप काफी करीबी है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि नाला के जो कार्य किया जा रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, तो क्या कहेंगे? आपने सही बोला कि आरा विधायक के हम करीबी हैं, सही में हैं, आरोप प्रत्यारोप सब गलत है, हमने जमीनी सतह पर पता कर लिया, आप जाइए
आप मीडिया के साथी हैं, आप दौलतपुर बलुआ में जाके पता लगाइए, एक भी वहाँ का ग्रामीण बोल दे तो ये सब राजनीति कर रहा है, सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है या का के लिए कर रहा है ये सब जाने। और जितना भी धरना पर बैठा है सब सब पार्टी विरोधी है,